एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं खुशी भटनागर और आज मैं आपके लिए लाई हूं वेरी सिंपल एंड इजी साइंस ट्रिक्स। यानी कि आज हम करने वाले कुछ इजी से साइंस एक्सपेरिमेंट्स जो कि आप बहुत ही कम मटेरियल के साथ, जो आपके घर में बहुत ही इजीली अवेलेबल होगा, उन मटेरियल के साथ हम वो साइंस ट्रिक्स करेंगे। यानी कि वो एक मैजिक जैसे लगेंगे, बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड दोज मैजिक्स। तो वो क्या रीजन है वो भी हम एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स। सो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी आर टेकिंग द ग्लास ऑफ वाटर। इसमें कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पानी है, बट हमने पानी में फायर को कैसे बर्न किया ये हम देखने वाले हैं। सो वी आर यूजिंग द सैनिटाइजर। आपको सैनिटाइजर जो लेना है वो सिर्फ ऊपर ऊपर पानी पे डालना है, वो अंदर जाएगा भी नहीं, वो फ्लोट करेगा ऊपर ही ऊपर, ठीक है। और उसके बाद बहुत ही केयरफुली आपको वहां पे फायर का यूज करना है। तो मैच स्टिक के हेल्प से अब आपको, इफ इट इज नॉट विजिबल आई कैन शो यू दैट, कि यहाँ पे जो है वो फायर जो है लगी हुई है पानी के ऊपर, और आप आराम से अपने पेपर को भी बर्न कर सकते हो। इतनी यूजफुल फायर है जो यहाँ पे लगी हुई है। Enjoyed all the experiments and easy science tricks, जहाँ पे हमने magic tricks करी बहुत सारी with the help of these science, जहाँ पे हमने अभी देखा कि हमने कैसे water के ऊपर fire burn किया, तो कैसे किया with the help of sanitizer। पर क्या आप जानते हैं sanitizer में ऐसा होता क्या है जिसके through वो इतनी जल्दी fire catch कर लेता है? तो sanitizer में होती है isopropyl alcohol, जो कि sanitizer के अंदर होती है, और उसके through वो fire को बहुत जल्दी बहुत ही आराम से catch कर लेता है। इसलिए हमें sanitizer को भी बहुत carefully use करना चाहिए, ओके। और ये सारी मैजिक ट्रिक्स भी हमें बहुत ही केयरफुली यूज करनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट थिंग हमने देखी कि हमने स्टैंड पे पेपर को जब राउंड शेप में राउंड तरीके से लगाया तो वो मूव करने लगा। मूव कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ फायर। जैसे हमने उसे फायर दिखाया तो द पेपर मूव्स राउंड, जैसे हटाया तो पेपर रुक गया। ये कैसे हुआ, ये कैसे किया, ये मैजिक ट्रिक्स के पीछे क्या रीजन है? तो ये मैजिक ट्रिक्स के पीछे ये रीजन है कि जब थिंग्स, जो भी थिंग्स हैं, वो ऑक्सीडाइज होती हैं, यानी मिक्स होती हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या रिलीज करती हैं? हीट रिलीज करती है। और फायर इज जस्ट अ वेरी रैपिड ऑक्सीडेशन। तो क्या होता है, जैसी हीट राइज करती है तो करंट्स ऑफ एयर बनाती है जो कि सर्कुलेट करती है और हॉट एयर बढ़ती है उससे। इसी के कारण क्या होता है, जो हमारी चीजें हैं वो मूव करने लगती है। यानी हीट के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीडेशन होता है, थिंग्स ऑक्सीडाइज होती हैं, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं, टेक प्लेस करते हैं, ओके। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। इसमें आपको ज्यादा कुछ नुकसान भी नहीं होगा, ना ही आप किसी चीज से आपको डरने की जरूरत है, बहुत ही इजीली हो जाती है ये ट्रिक्स। और बस आपको हर एक ट्रिक्स को बहुत ही केयरफुली करना है, किसी बड़े के सामने करना है, ओके।
लास्ट थिंग जो हमने देखी उसमें देखा हमने फॉलिंग स्मोक. फॉलिंग स्मोक क्या था, जहां पे हमने पेपर को बर्न किया, जिसमें हमने सिलेंड्रिकल शेप में पेपर को पहले रोल कर लिया एंड आफ्टर दैट जैसे हमने उसके अपर पार्ट को बर्न किया तो जो उसका लोअर पार्ट था वहां से क्या निकलने लगी, स्मोक निकलने लगी. दैट्स कॉल्ड फॉलिंग स्मोक. सो इट्स अ वेरी इजी एक्सपेरिमेंट जो कि जस्ट फॉर द फन था. ओके, इसके पीछे कोई बड़ा रीजन नहीं है. सो जो दो एक्सपेरिमेंट्स थे उनके पीछे जो रीजन थे वो भी हमने देख लिए और जो तीनों एक्सपेरिमेंट्स थे इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ मैजिक ट्रिक्स जिन के पीछे ये साइंस छुपी हुई थी. ओके, सो आई होप कि आपने सारे एक्सपेरिमेंट्स को एंजॉय किया हो. इसी तरीके से हम एक्सपेरिमेंट्स आपके लिए लाते रहेंगे विद न्यू डिफिकल्टीज एंड न्यू साइंस एक्सपेरिमेंट्स जिनके पीछे अच्छी-अच्छी साइंस छुपी होगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन यू कैन वॉच वीडियोस ऑन मैग्नेट ब्रेन्स बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.